कातिल जिंदा है, मेरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मेरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मेरा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुमिदा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 लव जिहाद पर कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ। लव जिहाद पर कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ। सुमिदा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुमिदा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मुद्दा को लेकर आज पूरा भारत, पूरा जम्मू न्याय मांग रहा है। जिस तरह आज उस लड़की के साथ जो ये निर्मम हत्या उसकी की गई है, लव जिहाद के चलते उसे मारा गया है, जब वो किसी चीज के लिए राजी नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी गई है। ये घिनौने अपराध बाहर के स्टेट्स में होते थे, लव जिहाद जम्मू में भी होता था, पर इस तरह की निर्मम हत्या हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। आप देख लीजिए कि जम्मू की धरती इतनी पावन धरती है कि यहाँ पर लोगों का जो आपसी सौहार्द, लोग मिलजुल कर रहते हैं, पर जिस तरह जम्मू का यहाँ पर जो सौहार्द है बिगाड़ा जा रहा है, लव जिहाद की बीच में लाके यहाँ पर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लड़कियों की हत्याएं की जा रही हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक बार, मैं आपको मीडिया वालों को कहूंगा कि आप एक बार उसके जो उनके पिताजी हैं उनकी आप हालत देखेंगे तो वो टोटली शॉक्ड में है, उनकी फैमिली टोटली शॉक्ड में है। उनसे जब हम मिले तो उन्होंने उनके जो मुंह से शब्द निकले हैं वो यही निकला कि हम क्या करें, हमारी लड़की चली गई, हम क्या करें। उसके आगे वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ना उस पिता के आंख में आंसू बाहर आ रहा है ना ही अंदर है। हमने यही देखा और उसके बाद हम उनसे कुछ पूछ भी ना पाए। तो ये सब चीजें जो हमारे जम्मू में हो रही है, अगर आज हमने इन्हें स्पेयर किया, इन्हें बर्दाश्त किया, आगे यही चीजें चलती रहेंगी तो यहाँ पर जंगल राज बन जाएगा। इस जंगल राज को खत्म करने के लिए ऐसे लोग जो यहाँ पर लव जिहाद के चलते जम्मू में हमारी हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, पूरा षड्यंत्र चलाकर हमारे जम्मू की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, इसको हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक जो जम्मू पार्टी इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है कि जब जब हिंदुओं में बात आई है एक जो जम्मू पार्टी सामने खड़ी हुई है, और आखिरी दम तक हमने न्याय दिलाने के लिए हर वो भरपूर कोशिश की जो हमें करनी चाहिए। इसीलिए सरकार से हम बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहना चाहते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए, कि अगर आपने सुमेधा को इंसाफ नहीं दिलाया, अगर सुमेधा के हथियारों को फांसी नहीं मिली, मैं हत्यारा नहीं कह रहा, सुमेधा के हथियारों को, बहुत लोग हो सकते हैं उनको फांसी नहीं मिली, तो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख देंगे। क्योंकि अगर ये कांड आज हुआ है और अगर यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पे एक्शन, इसका रिएक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये कांड आम हो जाएंगे जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जिस तरह आप शंभू में या कहीं और जिस तरह दिखा दिया जाता है कि ये जो शख्स है ये एबनॉर्मल है, ये पागल है, और उसे सरकार की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से या कानून की तरफ से उसको ढील दे दी जाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम साफ कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि फिर हम अपने हाथ में ले लेंगे उस शख्स को, और जो जो उस गेम में इन्वॉल्व होंगे फिर उसका क्या होगा हम बता नहीं सकते।